अस्सलाम वालेकुम, सर्विस सेलिंग इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है और मुझे पर्सनली सर्विस सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये सर्विस सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा मज़ा आता है काम करने में। तो एक कल का वाकया, एक बड़े मज़े का वाकया है कि मैं कल अपने बाल कटवाने गया तो अब अच्छा सर्विस सेलिंग इंडस्ट्री का, सर्विस सेलिंग अगर आपका बिजनेस है सर्विसेज का, तो जो आपकी असल सर्विस होती है ना उसमें इतना पैसा नहीं बनता जितना अप सेलिंग में बनता है। ठीक है, अच्छा अप सेलिंग का क्या मतलब होता है कि आप उसको एक अपनी बेसिक सर्विस देकर उसके बाद उसको अप सेल करते हैं कि सर आपने ये करवा लिया है तो अच्छा फिर ये भी करवा लें, आपने 10 रुपये खर्च कर लिए तो 1 रुपये भी खर्च कर लें। अच्छा, कल क्या हुआ मेरे साथ, कल मैं एक जगह बाल कटवाने गया तो मैंने अपने बाल वाल कटवाए, अपनी दाढ़ी कटवाई, उसके बाद वो जो नाई था, जो बार्बर था मेरा, मुझे वो बड़ा पसंद आया। हुआ ये कि उसने मुझे उसने मेरी दाढ़ी और बाल काटे, उसके बाद उसने बोला कि सर ये फेस मास्क भी लगवा लें, या शेख इस तरीके से या शेख करके बोलते हैं कि आपका मोराल वैसे ही ऊपर चले जाए। तो या शेख, शेख यहाँ पे दुबई में बड़ा एक जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है ना, कि मतलब नोट वाला आदमी उसको शेख बोला जाता है। तो वो उसने मुझे पिच किया कि आप जो है फेस मास्क लगवा लें। मैंने जिंदगी में कभी कोई फेशियल, कोई फेस मास्क इस तरीके का मैंने कुछ नहीं करवाया, सीधे सीधे 250-300 रुपये में बाल कटवाने वाला आदमी हुआ कराची से, दाढ़ी भी मैं खुद बनाता था। तो उसने बोला कि जस्ट 10 दिरहम्स। अच्छा, तो मैंने बोला अच्छा चल 10 दिरहम है, चल ठीक है ओके, जहाँ 30-40 दिरहम खर्च कर रहे हैं वहाँ 10 दिरहम भी। वो बोलता है जस्ट 10 दिरहम्स, वो जस्ट 10 दिरहम आपको ऐसे बोलता है कि मतलब कोई बात ही नहीं है ना, 10 दिरहम की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल हकारत की नज़रों से आपको बोलता है कि आप भी बोलो यार 10 दिरहम ही है, खैर हो गई करवा लो। फिर उसके बाद उसने जो है मेरा फेस मास्क लगाया, उसके बाद उसने वो जब धुलाने लगा मेरा फेस वॉश करवाने लगा तो उसने शैम्पू भी डाल दिया सर पे। उसने बोला कि सर शैम्पू। मैंने कहा यल्ला करवा दो। उसने क्या किया कि उसने शैम्पू भी डाल दिया, उसके बाद क्या हुआ उसने हेयर ऑयल भी शुरू कर दिया। वो इस तरीके से 10-10 दिरहम, उसके बोलने का तरीका इतना प्लीजिंग था, इतना कन्विंसिंग था कि जस्ट 10 दिरहम। अच्छा, वो करते करते मेरा बिल हो गया 120 दिरहम का। मैंने उसको जब 120 दिरहम दिए तो मैंने फ़ौरन खोला कैलकुलेटर खोल के मैंने उसको PKR में कन्वर्ट किया तो ये कोई पाकिस्तानी 9-10 हज़ार रुपये बन रहे थे। मेरा तो समझे कि भाई 10-10 हज़ार सुन के मैंने बोला कि यार ये क्या किया मेरे साथ, ये इसने किया क्या है। अब वो अलग बात है कि हम दुबई में दिरहम में, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे यार दिरहम में कमा रहे हो PKR में क्यों गिन रहे हो, भाई यार हम पाकिस्तानी बंदे हैं, यहाँ जितने भी पाकिस्तानी हैं उसी तरीके से जब ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं ना मामूल के मुताबिक, मामूल से ज़्यादा, तो वो फिर फ़ौरन कैलकुलेटर खुल जाते हैं। अब जो मैंने कैलकुलेटर खोला मैंने कहा या अल्लाह ये मैंने 10 हज़ार का खर्चा कर कैसे लिया अपने ऊपर। भाई 10 हज़ार में पाकिस्तान में किसी नाई को दूँ ना तो वो पूरे साल के मेरे बाल काट दे, मेरे पूरे कुनबे के। मुझे अभी भी याद है मैं बाइक पे बच्चों को बिठा के लेके जाता था अपने ख़ानदान के, और 1000 रुपये में 3-4 बंदों के बाल कटते थे बहुत आराम से। तो मेरे 10-12 हज़ार खर्च हुए। फिर मैंने कहा नहीं यार ये सर्विस सेलिंग इंडस्ट्री माननी पड़ेगी। मैंने कहा यार ये सर्विस सेलिंग से मैंने जाना ही नहीं है किसी और चीज़ पर।